should be proper implementation of guidelines like Vishakha guidelines. Criteria for dividing a state into smaller parts should be administrable. मैं सर के और CBL टीम के बारे में बोलना चाहूंगा. एक ऐसा टाइम जहां पे पूरी एजुकेशन सिस्टम आप देखिए कमर्शियलाइज हो चुका है, उस टाइम पे फ्री एजुकेशन देना, वो भी 3 stages, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के, और क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करना. आई मीन दिस इज अमेजिंग. तो CBL टीम को इसका पूरा श्रेय जाता है. जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने बहुत हमें हेल्प की है कि हमारी जो भी क्वेरीज है उसको मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्ट टाइम में उन्होंने एड्रेस किया है और हमारी हेल्प की है. सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, हेलो एंड जय हिंद एवरीवन. ये वीडियो जड़ी हैगी है ये पंजाब PCS दे रिगार्डिंग असी बना रहे हैं. बट बिफोर मैं थोनू पंजाब PCS दे कोर्स बारे कुछ भी दसा, कुछ बेसिक डिस्कशन मैं थोड़े ना करना चाहता रिगार्डिंग पंजाब PCS. देखो जी, आप लास्ट ईयर का रिजल्ट वेखिए, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तुसी मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लीयर किया है, चाहे उपेंद्र बराड़ रैंक 1 हो, जो स्टूडेंट्स नाल मैं टच चाहे उन्होंने की गल करेंगे जो साढ़े जुड़े हुए थे, या फिर वो रैंक 3 सचिन हो, रैंक 4 महक मित्तल हो, रैंक 6 डॉक्टर गुरलीन सिद्धू हो, रैंक 7 सुजावल जग्गा हो, रैंक 10 करमजोत हो, एंड इस तो बाद भी जे मैं बाकी स्टूडेंट्स की भी गल करा जे क्लीयर किए, भावें वह APS अमृतसर हो या फिर अरविंद कौर मैम हो, G1 हो, जिन्हें भी स्टूडेंट्स जो असं उन्होंने चैक करते हैं भी जिन्होंने पंजाब PCS लास्ट ईयर क्लीयर किया, तो एक पैटर्न निकल के साथ सामने आता है. वट इज़ दैट पैटर्न? पहली चीज़, या तो उन्होंने पिछले कुछ सालों तो UPSC की प्रिपरेशन की है, या फिर उन्होंने कुछ सालों तो पहला PCS की प्रिपरेशन अपनी जारी रखी हुई है, तो एक अद्धी बार पंजाब PCS का पेपर भी दिता हुआ है. जिवें सोमल साहब की जो आप गल करिए, उन्होंने पहला PCS बने हुए थे, दोबारा रैंक इंप्रूवमेंट लिए पेपर दिता, तो रब ने उन्होंने सक्सैस दी. एंड उदा ही जो आप बाकी बच्चों की गल करिए, फ्रॉम उपेंद्र टू करमजोत एंड ऑल दैट, उन्होंने UPSC की प्रिपरेशन अपनी जारी रखी. यही चीज़ मैं थोड़े नाल भी डिस्कस करना चाहता है. भी पंजाब दे विच मैं एक चीज़ नोटिस की है, भी जदों पंजाब PCS की नोटिफिकेशन आती है, जिस दिन PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जिस दिन नोटिफिकेशन कर दें दी है, उस दिन एकदम तो असी ना जागते हैं भी चलो यार नोटिफिकेशन आ गई, आपां भी PCS ऑफिसर बनने की तैयारी करिए. मेरे हिसाब नाल ये अप्रोच जड़ी है ये थोनू कॉम्पीटिशन दे विच जिहड़ा सीरियस कॉम्पीटिशन है उहदे विच तां थोनू एंटर भी नहीं करन दिंदी, लैट अलोन कि तुसीं प्रॉपरली कंपीट करो बच्चों नाल. जिहड़े बच्चे सीरियस कॉम्पीटिशन दे विच ने तुसीं उहनां दे विच भी मैं थोनू काउंट नहीं करदा, या फिर थोनू PPSC काउंट नहीं करदी, बिकॉज़ तुसीं आखिरी दे 2 महीनों दे विच तुसीं फॉर्म भरिया, फिर तुसीं सिलेबस चैक किया, फिर तुसीं तैयारी करनी शुरू की, फिर तुसीं किसी इंस्टीट्यूट दे नोट्स मंगवा ले, किसी इंस्टीट्यूट की खड़े पैर क्लासा ला लिया, दैन वट हैपन्स कि ना तो थोड़ा सिलेबस ही प्रॉपरली पूरा होंगे. तो उस तो भी जी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जदों भी तुसी कदे इन्नी वड्डी जॉब का सुपना लेना है, मान लो थोड़ा लगता है मैं तो SDM बनना है, ठीक है, मैं DSP बनना है, मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर बनना है, जदों भी तुसी इस लैवल दे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो थोनों एक चीज़ समझ आनी चाहिए है भी पेपर दे विच या तो तुसी उस दिन कोई चीज़ याद ही कर सकोगे या फिर लिख सकोगे, थोड़े को इन्ना टाइम नहीं होना. पेपर दे विच तुसी ओथे चीज़ां सॉल्व नहीं कर सकते, तुसी पहला चंगी प्रैक्टिस की होगी, तुसी प्रॉपरली पढ़िया होगा, तो ही तुसी वधिया पेपर दे सकते हो. नाउ हाउ इज़ दिस पॉसिबल? द ओनली वे इज़ मल्टीपल रिविजन. इस तो बिना थोड़ी तैयारी नहीं होनी, चाहे तुसी जड़ा मर्जी कोर्स ले लो, जड़ा मर्जी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, जितों मर्जी तुसी नोट्स मंगवा लो, जो तक तुसी मल्टीपल रिविजन नहीं करते, PCS लैवल का पेपर क्लीयर होना नैक्सट टू इंपॉसीबल हो जाता है. वह रीज़न की है, क्योंकि जो तुम सिलेबस देखोगे, जे पंजाब PCS की गल करिए, वर्ल्ड हिस्टरी, पोलीटिकल थ्योरी वर्गे सबजैक्ट्स भी पहला जोड़ा चरण है, जोड़ा फस्ट साड़ी स्टेज है प्रिलिम्स की, वो भी इदा के सबजैक्ट्स एडिड ने, फिर CSAT भी उत्थे काउंट हो जाता है, तो तुम लगा लो हिस्टरी भी इंडियन एंशंट मडिवल मॉडर्न वर्ल्ड हिस्टरी, फिर जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंडियन कल्चर एंड आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, फिर पंजाब, पंजाब की हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ा, फिर CSAT का पेपर जिदे विच थोनू मैथ्स आना है, जिदे विच थोनू रीजनिंग आनी है, जिदे विच थोनू क्वांट इंग्लिश वगैरह आनी है, ये सारी चीज़ा तुसी पेपर दे विच बेस्ट कीवें करके आ सकते हो जदों तक तुसी मल्टीपल रिविजन्स नहीं कीतियां. इस करके तुसी जे PCS का पेपर देना चाहते हो, तुसी एक चीज़ रिलाइज़ करो भी जे तुसी 2000
बाई दे विच मैनू किसी ने मतलब इदा ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि मैंने किसी ने दसाया कि यार सर 2022 के पेपर की तैयारी कराना जो तुम शुरू कर दोगे तो बच्चे ठीक रह जाएंगे सौखे रह जाएंगे ठीक है उन्होंने हिंट जहा दिता है तो इस करके मैं लगता है भी जे तुम 2022 के पेपर देना चाहते हो जा 2023 के पेपर देना चाहते हो थोनू अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए है पंजाब PCS की। पिछली बार जो पंजाब PCS का पेपर निकलिया उस टाइम कोविड का टाइम चल रहा है मैक्सिम स्टूडेंट्स डिप्रैस से घरें बैठे से पता नहीं से भी करना की है पर जोड़े स्टूडेंट्स ने अपना फोकस लूज नहीं किया तो उन्होंने ये नहीं लग्या भी सर पेपर लैन गए कि नहीं लैन गए तो पोस्टपोन ही करी जाने हैं एंड दैन सो ऑन जिन्होंने सोचा भी यार चलो जो भी होगा सारे लिए होगा अपना कर्म करिए अपना बेस्ट एफर्ट करिए उन्होंने बच्चों ने कोविड के टाइम से ही तैयारी करते हुए प्रीलिम्स भी कढ़े मेन्स भी कढ़िया तो उस तो बाद इंटरव्यू दे के अपना अज ऑफिसर सिलेक्ट होए ने उन्होंने ट्रेनिंग भी हम शुरू हो जानी इस महीने तो पॉइंट इज दिस कि तुसी अपना फोकस बना के रखो तो तुसी एक चीज़ समझ लेनी है वी आर जे मैं अगले साल या उस तो अगले साल या उस तो अगले साल भी जे पंजाब PCS का पेपर देना है तो अगले 8 to 9 महीनों के मेरे को सारा का सारे सिलेबस कवरेज होनी चाहिए है विदाउट द सिलेबस कवरेज कंसोलीडेटिड नोट्स कि आ मेरे हिस्ट्री के नोट्स आ जोग्राफी के इकोनोमी दे ये मैं लैक्चर्स भी वेख ले मेरे को नोट्स भी आ गए मैं MCQs भी कर ले तो मैं आंसर्स भी लिख के वेख ले ए मेरे को पे ने नोट्स मेरे सारे मेरा एक बार पूरा सिलेबस हो गया दोनों स्टेजेस का प्रीलिम्स का भी तो मेन्स का भी जो तीन तुम ये नहीं किया थोड़ी प्रिपरेशन वीक है तुक्का लग सकता है मैं नहीं कह रहा बड़े बच्चों ने तुम देखा होना भी वो कहे भी यार मैं तो आखिरी दिन 4 महीने पढ़िया फिर भी पेपर हो गया बट वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस होंदा उदा ते वो बच्चे वो होंदे ने जिहड़े उदा ही एकेडेमिकली ब्लैसड ने जिन्होंने उदा ही पहला तो वधिया उन्होंने प्रिपरेशन की होंदी है तो इस करके मेरा थोनू सुझाव यह है सब तो पहला भी तुसी जे पंजाब PCS की तैयारी करना चाहते हो तो थोनू प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए है 8 to 9 महीने लगने हैं थोनू प्रॉपर सिलेबस कवर करने लिए जो एक बार अपना पूरा सिलेबस हो गया तो मतलब की होंदा पहला तो यह भी समझना बहुत जरूरी है बच्चे मैं देखता है जिहड़ी अपनी बिटिया का रैंक 1 आया उपिंदर बराड़ वो ऑफिस आई सी तो उन्हें एक गल कही इस बार पंजाब PCS का रैंक 1 आया सीगा तो कहंदी भी सर बच्चों तुसी गाइड करो भी यार पंजाब ही नहीं पढ़ी जाना बच्चे पंजाब की कई अद्धी किताब आती है मशहूर हो गई बस वो पंजाब 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 पढ़ी जाते हैं होपिंग कि उन्होंने पंजाब PCS इस किताब तो हो जाऊगा फिर जो तुम एग्जाम देन जाते हो तुम नोटिस करते हो भी उत्थे तो इंडिया की हिस्ट्री आई हुई है इंडिया की जोग्राफी आई हुई है इंडिया की पॉलिटी आई हुई है सिर्फ पंजाब तक लिमिटेड थोड़ी है जो पंजाब PCS है इनफैक्ट जो मैं हरियाणे वाली गल करा हरियाणे से तो उस तो भी अगे हो गया काम इस बारी हरियाणा SCS के हरियाणे के सिर्फ 3 क्वेश्चन सके तो जोड़े बच्चे ने बेसिक हरियाणा भी पढ़िया हुआ वो भी कर सकता से उन्होंने क्वेश्चनों तो बच्चे लगे रहे अपना 2-2 महीने हरियाणा की किताबा पढ़ चक के पढ़ते रहे तो यह नहीं आप करना आप जी तैयारी करनी है वो पंजाब सेंट्रिक नहीं हो सकती भी अपना पंजाब आप सारा टाइम पढ़ी गए तो अपना उस तो बाद सानू कोई नॉलेज ही है नहीं तो पहली चीज़ जी है रैंक 1 दे उन्हें मैंने मैसेज दिया तो मैं थोड़ा सारे बच्चों दे रहे हैं वो होंगे कहें सर मैं नेड़े तेड़े के पिंड के बच्चे जड़े ने वो अपने आप ही घरों अपना पंजाब टाइप कोई किताब चक के मेरे को आ जाते हैं भी दीदी सानू भी पढ़ा दो आप भी थोड़े वांगू IPS PCS ऑफिसर बनना है तो पहली चीज़ मैं उन्होंने ये कहनी हाँ भी तुम पहले सिलेबस तो खोल के वेख लो तो सिलेबस कवरेज का मतलब की है भी जिन्ना भी थोड़े को जोड़े भी टाइटस लिखे हुए हैं सिलेबस के सारे थोड़े मार्क होने चाहिए भी मैं डिटेल्स कवर कर ले मेरे को नोट्स है उस तो बाद पहली चीज़ होगी मतलब कवरेज लैक्चर तुम देख ले उस तो बाद नोट्स बना ले या थोनू PDFs मिल गई तीसरी चीज़ तुसी MCQs या फिर सबजैक्टिव क्वेश्चन जोड़े भी ने वो तुसी अटैम्प्ट कर ले हुण ए हो गया थोड़ा फर्स्ट सैट ऑफ प्रिपरेशन 8 महीनों तुसी ए करके आराम नाल बैठ गए उस तो बाद थोड़ी रिविजन 1 जिदे विच तुसी यही प्रोसैस सारा छेती छेती रिवाइज कर दे करंट अफेयरस अपने अपडेट कर दे फिर रिविजन 2 इन्नी देर दे विच मैं उम्मीद है कि थोड़ी नोटिफिकेशन आ जूगी पंजाब PCS की ना थोड़ा पूरा सिलेबस होया तुसी 2 बार रिविजन भी कर ली नोटिफिकेशन आ गई हुण तुसी फोकस करो उन्हां टॉपिक्स के उत्ते जिवें कि पंजाब जिवें कि स्टैट्स ये टॉपिक्स ने जिहड़े सिर्फ और सिर्फ थोड़े पेपर पंजाब वाले पेपर के आने दिस इज़ द राइट टाइम टू फोकस ऑन दीज थिंग्स दीज टॉपिक शुड बी देयर इन योर शॉर्ट टर्म मैमरी क्या हाँ मैं रीसेंटली पढ़िया सीगा मलेरकोटला जी बने हैं नई डिस्ट्रिक्ट ये बारे मैं पढ़ लिया सीगा पेपर दे विच आ गया 2 साल पहला तुसी लगे हुए हो पंजाब पढ़न या स्टैट्स पढ़न तो सिलेबस की थोड़ा कवरेज की क्लैरिटी नहीं हैगी बच्चे आप पेपर की नब्ज़ नहीं पछाण रहे आप ठीक तो
लास्ट ईयर विच मैक्सिमम स्टूडेंट्स वुड नो कि जे टॉप 10 दे विच 6 बच्चे CBL नाल जुड़े हुए ने, जे ओवरऑल 75-78 सिलेक्शंस दे विच मोर दैन 40 स्टूडेंट्स जे CBL नाल जुड़े हुए सीगे, तां कुछ तां ठीक कर रहे होने सी। ते ओ ठीक यही है वी कॉमन सेंस तर्कपूर्ण गाइडेंस ए है बच्चे। दूजी चीज़ करंट अफेयर्स बच्चों के कवर नहीं होंगे, करंट अफेयर्स लिए बच्चे कमले हुए फिरते हैं सारा टाइम। देखो भी ना तो UPSC ना PPSC ना HPSC कोई भी सर्विस कमीशन हैगी है वह किसी भी इंस्टीट्यूट की किसी भी करंट अफेयर कंपाइलेशन के नाल कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, कोई ठेका तो है नहीं, भी उधरों ही आने हैं। ये बच्चों ने ही आपस डिसाइड कर लिया भी यार बस ये वाली मैगजीन आप पढ़ लेनी है या ये वाली PDF पढ़ लेनी है, करंट अफेयर हो गए तुसी वो पढ़ो चंगी गल है, थोड़ी एक कंसोलीडेटेड रिविजन होगी, बट डोंट रिप्लेस इंस्टीट्यूट्स दे नोट्स जड़े हैगे ने, डोंट रिप्लेस न्यूज़पेपर विद दैट। न्यूज़पेपर इज समथिंग विच शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली रिचुअल, अखबार पढ़ना होंगे डेली, भावें तुसी एक दिन मान लो थोड़ा जी जा नहीं कर रहे न्यूज़पेपर पढ़न का उत्ते उत्ते पढ़ लो, दूजे दिन थोड़ा अपने आप जी करूगा प्रॉपर पढ़न का, किसी दिन मान लो थोड़ा रूटीन नहीं बन रहा तुसी मेन कोई 2-3 पेजेस पढ़ लो, फ्रंट पेज पढ़ लो, एडिटोरियल पढ़ लो, बस किसी दिन सिर्फ वर्ल्ड अफेयरस वाला पेज पढ़ लो, किसी दिन बस तुसी इकोनमी वाला पेज पढ़ लो, ऑटोमैटिकली तुसी देखोगे भी जिहड़ी चीज़ के उत्ते थोड़ी ग्रासप वधिया हुंदी है वो तुसी ऑटोमैटिकली थोड़ा उत्ते इंट्रस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जे तुसी डेली अखबार पढ़ोगे 15-20 दिनों के महीने के देखोगे भी थोड़ा ये हुण पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन योर लाइफ स्टाइल बन गया, इनफैक्ट फिर जिस दिन अखबार तुसी नहीं पढ़िया ना उस दिन थोड़ा इदा लगेगा वी आर कुछ मिसिंग है। जिवें अपने पेरेंट्स होंगे तुसी देखोगे मैक्सीम जे अंकल फादरस बच्चों के पेरेंट्स है ना, जो तुम इन्हों देखोगे जो इन के मूहरे तुम 5 अखबार भी रख दोगे ना 5 अखबार भी ऐ जो खोल के पढ़ते रहेंगे ने, क्योंकि उन्होंने आदत पई होंगी है, उन्होंने ना इदा नहीं होंगे भी अरे पढ़ना पैना है। ठीक, इफ यू लुक एट योर पेरेंट्स दे डोंट रीड न्यूज़पेपर लाइक दिस कि यार हाँ मैं पढ़ना पैना है, वो चा नाल इंट्रस्ट नाल पढ़ते न्यूज़पेपर, उदा ही तुम न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़न के नाल ये नहीं है भी ये मैं कोई खबर पढ़ ली है मेरे पेपर च आ जाऊगी, ये मैं खबर पढ़ ली पेपर से नहीं आऊगी, इदा नहीं पढ़ना तुसी। देर इज़ सो मच दैट यू लर्न थ्रू न्यूज़पेपर्स, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग स्टाइल इंप्रूव हुंदा थोड़ा मेन्स दे विच थोड़े उही 15 मार्क्स ज़्यादा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा किन्ने सारे कॉन्टैक्चुअल कोटेशन मिलते हैं, किन्ने सारे कॉन्टैक्चुअल थोड़ा मान लो कोई एग्जाम्पल मिल गया, तुम अखबार पढ़ रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो तो तुम कोई आर्टिकल इदा ही रैंडम पढ़न लग गए भी मान लो कोई ABCD नागालैंड का पिंड है तो उत्थे उन्हें कोई आर्टिकल लिखा हुआ भी उन्हें देखा भी बच्चे है ना जोड़े वो 5-5 किलोमीटर दूर जा रहे हैं पानी लैन। नाउ एक दिन थोड़ा एसे आ गया वाटर के उत्ते, वाटर स्कारसिटी इन इंडिया, एंड यू हैव सम एनिकडोट विद यू, यू हैव सम लिटल स्टोरी विद यू, तुम कभी अखबार से पढ़ी सी उस टाइम तुम इदा नहीं बैठे भी यार मैं की लिखा एसे एन वाटर के उत्ते, तैयार भी नहीं करके गए से, बट थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड वो सारी चीज़ा उत्थे मैनशन करके आएगा। तो न्यूज़पेपर जो है वो थोड़ा राइटिंग स्टाइल देता है, थोड़ा इनफॉर्मेशन देता है, थोड़ा कंट्री की डेलीबरेशन की चल रही है, साड़ी कंट्री की किहड़े मुद्दे ने जोड़े मेन ने जोड़े मैक्सिमम स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स कवर कर रहे हैं, थोड़ा वो बारे अवेयरनैस होंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो तुम पेपर देन जाते हो उस दिन थोड़े मूहे 100 क्वेश्चन प्रजेंट किए जाते हैं। नाउ हाउ टू असैस, मैनू किमें पता लगे भी यार पेपर का लैवल हाई है कि लो है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन का तो पता लग जाता भी यार पॉलिटी का क्वेश्चन है सिंपल, फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है सिंपल है, ठीक, हिस्टरी का क्वेश्चन है फ्रीडम स्ट्रगल के उत्ते सिंपल क्वेश्चन है। मेन जो बच्चा परेशान होंगे वो करंट अफेयरस के क्वेश्चन तो ही होंगे, उन्होंने लगता है भी यार की पता मैं ना पढ़ा हो पर बाकियों आता हो, सुनया सुनया ज्यादा लगता है, इदा इदा के जोड़े विचार है वो थोड़ू ना अंडर कॉन्फिडेंट फील कराते हैं भी यार मैनू नहीं आता होना बाकियों आता होना। इस करके इवेंचुअली जो तुम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो जोड़े थोड़ू क्वेश्चन आते होंगे स्टैटिक सिंपल क्वेश्चन वो भी तुम गलत कर आते हो। इस करके जो तुम एक साल प्रॉपर न्यूज़पेपर पढ़िया होंगे रिलीजियसली प्रॉपर तुम न्यूज़पेपर फॉलो किया होंगे तो की होंगे फिर थोड़ा पता होंगे भी यार एक मिनट मैं ना प्रॉपर एक कोर्स भी ला लिया, मैं सारे के सारे करंट अफेयरस भी पढ़ ले, उत्थे मैनू मंथली कंपाइलेशन भी आती सी, मैनू सबजैक्ट वाइज करंट अफेयरस भी कराए गए, उस तो बाद मैं डेली अखबार भी पढ़िया, ये हूँ उस तो बाद कोई करंट अफेयरस की कोई न्यूज़ है जी मैनू नहीं आती, जे हूँ मैनू नहीं आती तो मैक्सीम सीरीयस स्टूडेंट्स में यही आता होना, कोई चक्कर नहीं है, अपने आप को बैक करना होंगे उत्थे थोड़ी पर्सनैलिटी पेपर देती है, वो जी पर्सनैलिटी है वो एक दिन तैयार नहीं होगी, साल ला के अपनी पर्सनैलिटी तैयार करनी है जिते कॉन्फिडेंटली पेपर देंगे हो। इस करके
एक मेरा पहली एडवाइस थोड़ी यह सी कि जी तैयारी है वो थोड़ी इस इंटेंशन के नाल होनी चाहिए है भी जिस दिन नोटिफिकेशन आए उस दिन तक का मेरा सारा सिलेबस सारी टेस्ट सीरीज सारी मेन्स की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये कवर हो जानी चाहिए है। दूजी चीज़ न्यूज़पेपर कवर होना चाहिए प्रॉपरली। उस तो बाद हौली 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 मेरा यह मानना है कि तुम अपनी लैंग्वेज के उत्ते भी काम करो। वन ऑफ द रीजनस दैट आई एम लॉन्चिंग पंजाब PCS कोर्स टूडे इज कि मैं इदा के बच्चों जानता जिन्हों के इस वारी उन्होंने रैंक वन आ सकता सिंगल डिजिट रैंक आ सकता सीगा हले भी उन्होंने रैंक आया किसी का 20 आया किसी का 30 आया किसी का 40 आया उन्होंने सिंगल डिजिट रैंक आ सकता सीगा जे उन्होंने लैंगुएज का पेपर वधिया हो जाता 40-40, 45-45 नंबर लेके बच्चे बैठे ने पंजाबी दे विच पंजाबी भाषा या फिर इंग्लिश दे विच। लैंगुएज एक एहोजी चीज़ है जिहड़ी तुसीं अपनी बहुत स्ट्रोंग रखनी है जे तुसीं कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज का पेपर क्लीयर करना है। UPSC दे विच ओ बस क्वालीफाइंग हुंदा उहदे मार्क्स नहीं ऐड हुंदे पर स्टेट सिविल सर्विसेज दे विच नॉर्मली लैंगुएज का पेपर जिहड़ा हैगा ओह काउंट हुंदा है। हुण जिस दिन नोटिफिकेशन आ गई उस दिन थोड़ा प्रैशर होगा पूरा भी यार अज मैं लैंगुएज के वल तुरा या मैं अपनी GK कवर करा या मैं अपना क्वांट कवर करा या मैं अपनी रीजनिंग कवर करा मैं अपना मैथ्स वाला पोर्शन के उत्ते काम करा CSAT के उत्ते काम करा मैं अपने GS के उत्ते काम करा कि लैंगुएज के उत्ते काम करा। तो हमेशा एक चीज़ देखी गई है भी लैंगुएज जी है ना उन्होंने हमेशा लास्ट प्रायोरिटी मिलती है बच्चे को पहली प्रायोरिटी होंगी है भी मैं अपना CSAT तगड़ा कर लाँ जो पंजाब के नॉर्मली वो मार्क्स काउंट होंगे ने। दूजी प्रायोरिटी होंगी है भी फिर मैं अपना GS स्ट्रोंग कर लाँ ए बच्चा लगे रहता पूरा पेपर हो जाता है। कई बार तो बच्चे अपनी लाइफ का पहला ऐसे ही पेपर के जाके लिखते हैं। यह अप्रोच भी बहुत गलत है। लैंगुएज ओवरनाइट तुसी इंप्रूव नहीं कर सकते जे थोड़ी लैंगुएज वीक है भावें वह पंजाबी भाषा होवे जां फिर इंग्लिश लैंगुएज उहदे उत्ते काम करन लई भी तुहानू 6-8 महीने यू विल नीड दैट। तो जे तुसी नोटिफिकेशन की वेट करते रहे तो फिर सिर्फ देखो फॉर्म भर के भी 5000 रुपया पंजाब सरकार को दे के फॉर्म भर के जे आप अफसर लगते लग सकते तो फिर तो सारे लग जाना सीगा। ऑफिसर उही बनूगा जिदे माइंड दे विच क्लैरिटी है भी यार एक सेकंड साल का प्रोसैस है साल मैं प्रॉपर तैयारी करनी है एक साल का तैयारी का प्रोसैस है फिर 8-10 महीने का एग्जाम का प्रोसैस है प्रीलिम्स होगा फिर 2-3 महीने बाद मेंस होगा फिर 2-3 महीने बाद इंटरव्यू होगा फिर रिजल्ट आऊगा। इस चीज़ को समझना भी यार मेरे लाइफ के 1.5 साल हैं जे मैं प्रॉपरली लाते उस तो बाद सिर्फ प्रमोशनस ही हैं उस तो बाद एक सिस्टम के बहुत चंगे लैवल से जाके बैठते हो। तो एक होर चीज़ बाय चांस मैं करना चाहता मैं अजकल देखता भी ना बड़ा सारे इदा दी भी कई बारी लाइक वेरी गुड पीपल अदरवाइज वेरी वैल इंटेंशन पीपल दे सिंग से थिंग्स लाइक कि यार कौन पुछता है इन्हों भी कौन पुछता उन्होंने भी कौन पुछता है। एक बारी मेरी सलाह है अपने एरिए जोड़े भी थोड़े SDM साहब ने उन्होंने ऑफिस जाके देखो जोड़े भी थोड़े एरिया के DSP साहब ने उन्होंने ऑफिस जाके देखो फिर तुम कहो भी कौन पुछता है। यूट्यूब के उत्ते या कित भी कोई एक वीडियो वायरल होगी जिते किसी मिनिस्टर की तो DSP की झड़प होगी या किसी मिनिस्टर की तो SDM की झड़प होगी तो थोड़ा लग्या भी नहीं यार बनन का फायदा ही नहीं। किन्ने सारे बंदे ने जड़े आम बंदे जिन्हों की ना कोई सुनवाई नहीं होंगी पर एक चंगा SDM या कोई चंगा DSP बंदा ईमानदार बंदा जो उत्थे बैठा होंदा तो उन्होंने इंसाफ मिलता उन्होंने थ्रू अपना आइडियलिज्म ते अपनी पंजाब दे प्रति या देश दे प्रति जिहड़ी साडी कमिटमेंट है उन्होंने तुसी इदां नहीं डिसकरेज नहीं फील करना भी यार अजे कौन पुछदा यार इन्हों की फायदा है। इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग जॉब वेरी रिस्पैक्टफुल जॉब एंड यू शुड पहला बन जाओ उस तो बाद सारी चीज़ों के पैना तुसी ठीक है जी। तो This is the basic things that I wanted to tell you कि whether you prepare with us, तुसी साड़े नाल तैयारी करो तुसी किसी होर नाल तैयारी करो तुसी सेल्फ स्टडी करो तुसी कोई और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो तुसी ऑनलाइन करो तुसी ऑफलाइन करो वो बेटा थोड़ी अपनी चॉइस है बट बेसिक रूल्स जड़े गेम्स दे ने वो चेंज नहीं होने वो बेसिक रूल यही है साल पहला तैयारी शुरू करो लैंगुएज के उत्ते काम करो लैंगुएज के लिए जिवें नरेंद्र दुग्गल की एक किताब मैनूं चंगी लगी पंजाबी भाषा वाली तुसी वो नाल पढ़ते रहो असी तो करावांगे कोर्स विच चरणजीत मैम कराणगे उन्होंने पिछले 30 सालों तो किन्ने सारे बच्चे जड़े ने जड़े पंजाब दे विच जजिस बने ने ऑफिसर्स बने ने पंजाब PCS उन्होंने सारे नूं पढ़ाया इन ऑल दीज ईयरस ते वो पढ़ाणगे तुहानूं इंग्लिश दी थोड़ी क्लासेस लगनगी जिहड़े सर ने विकास सर PhD इन इंग्लिश हैगे ने ते उन्होंने 2-3 स्पैशल मॉड्यूल्स बनाए ने एक राइटिंग दे उत्ते एक ग्रामर दे उत्ते ते एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो। हुण जे मेरी ग्रामर ही वीक है मैं जिन्ना मर्जी GS पढ़ लाँ पेपर दे विच मैं इन्ने आंसर्स माड़े लिख के आने भी एग्जामिनर नूं लगना है भी यार बच्चे नूं बेसिक इंग्लिश नहीं आती ठीक। तो इस करके असी थोड़ा कोर डिवेलप करने लई एक स्पैशल मॉड्यूल्स बनाए ने नंदलैस
जिहड़ा साडा कोर्स हैगा पंजाब पीसीएस दा इह स्टार्ट हो रहा 20 तरीक तो। ठीक जी, दो प्लेलिस्ट होणगीआं, 5 बजे थानू एक प्लेलिस्ट आऊगी। इस प्लेलिस्ट दे विच थानू जनरल स्टडीज कराई जाऊगी। मंडे टू फ्राइडे तुहाडी क्लासेस होणगीआं, सैटरडे एंड संडे तुसीं जो भी थानू एक वीक च कराया उह रिवाइज़ करना है। सिमिलरली प्लेलिस्ट टू 1 बजे क्लास आऊगी, इहदे विच थोड़ा सी सैट पोर्शन कवर होगा। मंडे ट्यूजडे वैनसडे क्वांट ते रीजनिंग दी क्लासेस आणगीआं, थर्सडे फ्राइडे इंग्लिश ते पंजाबी दी क्लासेस आणगीआं। तां पहलां तुहाडे 1-2 महीना लागे इंग्लिश चंगी तरह थोड़ी स्ट्रोंग करांगे, उस तों बाद पंजाबी स्टार्ट हो जाऊगी। इत्थे भी इदां ही आ, पहलां कुछ महीने थोड़ी क्वांट दी क्लासेस लगणगीआं, फिर रीजनिंग दी क्लासेस स्टार्ट हो जाणी है। तां दो क्लासां तुहानूं डेली मिलनीआं, हर क्लास दे नाल तुहानूं रिलेटिड PDF मिलेगी, उत्थों तुसीं नोट्स तुहानूं आप बनाउण दी लोड़ नहीं हैगी, इही तुहाडे नोट्स ने। जिहड़ा कोर्स होगा ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਨੋਟਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਆਫਕੋਰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 4-5 ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ 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 ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਕਰੀਕੁਲਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਥ। 2 ਕਲਾਸਿਸ ਪਰ ਡੇ, ਰੋਜ਼ ਕਲਾਸ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰਹੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ, 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ, ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਏਨਸ਼ੰਟ ਮਡੀਵਲ, ਪੋਲਿਟੀ, ਇਕੋਨਮੀ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਉਹ ਟੋਪਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਨਸ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਰਟੀਕਲਸ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਅਤੇ ਮੇਨਸ ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਨਸ ਓਨਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ IR, ਗਵਰਨੈਂਸ, ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਂਡ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਚੱਲੂਗੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਆਊਗੀ, ਕੁਆਂਟ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ। ਅਨੂਪ ਸਰ ਲੈਣਗੇ ਕਲਾਸਾਂ, ਡੈਮੋ ਕਲਾਸਿਸ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਸਰ ਪੰਜਾਬ PCS ਦਾ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ PCS ਦਾ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ PCS ਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 9779613745। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ PCS ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਡ ਬੈਚ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਕਲੀ 2 ਲਾਈਵ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੇਨਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਕਲੂਡਿਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੰਕਲੂਡਿਡ ਹੈ, ਮੇਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੰਕਲੂਡਿਡ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਸੇਇੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡਿਡ ਹੈ। ਮੈਨੀ ਆਫ ਯੂ ਵੁੱਡ ਨੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ PCS ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ RT-PCR ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੋ ਮੈਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿਟੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ 1 ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੌਕਸ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਲ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਵਿਲ ਬੀ ਡਨ ਵਿਦ ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਪਲੱਸ ਮੇਨਸ
प्लस इंटरव्यू, तीनों चीज़ों की प्रॉपर प्रिपरेशन होगी तो मैं उम्मीद है भी इस बार की तरह लास्ट टाइम की वांगू ही या पिछली बार की तरह इस बार भी अपने स्टूडेंट्स जोड़े ने फ्लाइंग कलर्स के नाल इस एग्जाम नू क्लीयर करेंगे पंजाब PCS दे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जे थोनू कोई भी इनफॉरमेशन चाहिए होवे तुसी इस नंबर पर कॉल कर सकते हो जिहड़ा मैं मैनशन किया। आई होप कि थोनू थल्ले भी टिकर च भी शो हो रहा होना नंबर। तो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। एनी डाउट, कोई भी इनकुआरी होवे, फील फ्री टू रीच आउट टू अस। टेक केयर।